हाय एवरीवन, मु लिपुन आपण लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज गोटे समस्त बहुत बढ़िया इनफर्मेसन रही मो घर योजन जो लोन मिलू बहुत सारा लोक मन एबी माने भावना रही मो घर योजन जो लोन मिलू आम लोन नहीं आसवा कितु घर काम करानी से पर्सनाल किसी खर्च लगे अलग कौन जगार इनभेस्ट करके अलग खर्च किसी करें तेणु से विषय में आपको क्लीयरली कह जहाँफर आपने वीडियो देखले क्लीयर हो पारे आपने जापर जे आपने जो मो घर योजना जो लोन टी पाइले अलग कौन जगह व्यवहार करें कि ना ता पूर्व चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे ऑल बेल आइकन को दबाई देते ये लाटेस्ट अपडेट पाई। तो प्रथम जिनस रोच देखूँ मो घर योजना जो लोन मिलू लोन मिलवा पूर्व संपूर्ण इनफर्मेसन आपण मैंने प्रोभाइड करेंगे जो फर्म फिलअप कर बैंक डॉक्यूमेंट सहित आधार कार्ड जी जमीवाड़ी डॉक्यूमेंट परिचय पत्र जहाँ सब जिनस आपण मैने सरकार को दौंस सरकार तापर लोन दौर आपण मैंने जमीवाड़ी कागज पत्र भी दौर जिओ टैगिंग होखा जाए भेरीफाई हम मसक भितर जो कौ जगार घर करेंगे जदि आपने घर मरामती करने चाहते कौन कौ घर मरामती करेंगे संपूर्ण इनफर्मेसन फटो सहित जीव ओके तेणु यही सब जिनस भेरीफाई हम भेरीफाई तो हो आपण मानक पैसा भी मिल जाव किंतु पैसा मिल सारापर गोटे आप प्रॉब्लम कौन रोज जानते धर पैसा मिलगला जिमी जहाँ पैसा मीछ मीछ कह पैसा नहीं आईले पैसा आनी सारापर धरतु आपण मैंने अलग जगह पैसा को इनभेस्ट करदे तो इनभेस्ट कर सारापर तो आपण मानक सब्सिडी भी मिल तो सब्सिडी के मिल ना घर या सारापर जदि आपण मैंने घर मरामती टा आते तो से मरामती सारा दरकार जदि नुआ घर पर आनते से घर हो सारा दरकार से देखे जो मो घर कम्प्लीट होगापर आपण सब्सिडी मिल कितु जदि आप पैसा अलग जगह खर्च करदे तो घर मरामती करें ना कौट पैसा आने तेनाली सब्सिडी भी मिलन आपण मैंने हईराण पड़े तेणु एथपाई जो ट्रिक रही आपण मैं यूज करने पड़ो जे जदि आपण मैंने चाहते से पैसा को किसी अलग जगार विनियोग करने अर्थ नुह कि मद पी दे उड़ई देवे कि निज घर खर्च करदे सेमित फालतू खर्च जदि करेंगे तेल आपने हईराण पड़े जदि आपण मैंने चाहते से जो मो घर टकर लोन आणिकी आपण मैंने अलग कौट जगार इनभेस्ट करूँ लाभ उठे पारे दिस् इज द बेस्ट कारण से भाला कह आप कौन प्रोब्लेम हो जो लाभ कौ मैंने उठे पारे जो मैंने निज घर मरामती पैसा आणुंट माने मन रखु जो मैंने पूरा नुआ घर बनवाप पैसा आणुंट से लाभ उठे पारे कारण से जहाँ पैसा आने सब तो निज नुआ घर पर लगेदे आहरी पैसा दरकार पड़ो कितु धरतु जो मानक घर कम्प्लीट हो सारी एमती बहुत सारा लोक अच्छा जो मानक घर कम्प्लीट हो सारी टिके टे कम अच्छे जस्ट 50,000 लक्षे 10,000 एमती खर्च कले कमटा होके तो से माने जदि लोन नहीं आसुंट धरतु 50,000 खर्च करदे खर्च करके जो घर मरामती करदे कर सब्सिडी नहीं आए कारण रूल्स अनुसार घर काम सरीगले सब्सिडी मिल जाए सब्सिडी आपको मिलगला आपत देखेदे कम्प्लीट करदे कि बाकी 50,000 सीना खर्च करदे आज जो 2,50,000 रहा कौन करेंगे आपने कौन जगार इनभेस्ट करदे म्यूचुआल फंड हो फिक्स डिपोजिट हो जेकोसी जगह इनभेस्ट करदे इनभेस्ट करके अधिका सुध आनी पारे आप सुझा ही पड़ो कि अलग जगार इनभेस्ट करें ये आप इनभेस्ट करें सहित मुझे कहूँ जदि आपजनेस करजनेस मैंने इनभेस्ट करेंगे कितु आपन को शो करार ना जे गवर्नमेंट यार मुझनेस करजनेस आप शो कर हाँ मुझे घर काम लगे पैसा कितु आपजनेस जाए कौन देखिए ना कौन आप लगे आपण बस घर देखेबार अच्छे हाँ मुझे घर कर एति तो आपड़ी बिजनेस लगे चाहते बिजनेस लगे पारे बट आपण मैंने मन रखु से बिजनेस लाभ हवा दरकार जदि क्षति है कौटि भी बची पारे कारण एपटे लोन भी सुझीते पड़ो 10 वर्षर ये बिजनेस भी लस खाइब जदि आपजनेस पैसा को लगे सब पैसा तो लगे पारे घर पर लगे बाकी पैसा बिजनेस लगे जदि बिजनेस लगे बिजनेस जब बहुत ग्रोथ हो गला बहुत लाभ हो गला तेल आपन किसी प्रोब्लेम ना आराम से लोन सुझीदे आपण बिजनेस को बिजनेस भी होना बहुत सारा लोक एमती अच्छा एवं जो मैंने बिजनेस से टाटे भी ना बहुत कष्टर अच्छा से चाहते बिजनेस लोन मिल जाऊ लोन भी एत सहजर मिलूना तो से मैं बहुत प्रॉफिटेबल से फायदा उठे पारे कारण से जदि भी लोन मिलू से अधा घर खंडिया अच्छी भाई अल्प किसी कम अच्छी कम्प्लीट कर दि
ଅଧା ପଇସାର ଅଳ୍ପ ପଇସାର ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗେଇ ଦିଅ। ମସ୍ତ କିଣି ଯଦି ଲାଭ ହେଲା ଆପଣ ଲୋନ୍ ବି ଶୁଝିଦେବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆରାମସେ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେଉଛି ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ନିହାତି ହେବ, ଯଦି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଲାଭ ହେଲେ ଲୋନ୍କୁ ଲୋନ୍ ଶୁଝିଯିବ, ଆପଣ ସେଇ ପଇସାରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବି ହୋଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ବିନ୍ଦାସ ବି ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଲାଭ ହେବ। ତେଣୁ ମୋ ଘର ଯୋଜନା ନେଇକି ଲୋନ୍ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ ପଇସାର କିଛି ଲାଭ କରିପାରିବେ, କିଛି ତାକୁ ଲଗେଇକି କିଛି ବଢ଼େଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବ୍ୟବସାୟ, ତାହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ର ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ, 3 ଲକ୍ଷ ଆଣି ଘର ବନେଇଦେବେ, କ'ଣ ଲାଭ? କିନ୍ତୁ ସେଇ 3 ଲକ୍ଷ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଣିକି ଅଳ୍ପ କିଛିର ଘର ମରାମତି କରିକି ଅଳ୍ପ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ସେ ବ୍ୟବସାୟ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଯଦି 5 ଲକ୍ଷ 6 ଲକ୍ଷ କି 10 ଲକ୍ଷ କମେଇ ଦେଲ, ଭାବନ୍ତୁ 3 ଲକ୍ଷରେ ଆରାମସେ ଶୁଝିଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ବାକି ପଇସା ଆମର ବିଜନେସ୍ ପୁରା ହାଇଫାଇରେ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କର। ତେଣୁ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଘର ପାଇଁ ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ନୂଆ ଘର ବନେଇକି ସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ପଇସା ସବୁବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ସେତେ ଲାଭ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ପାଖରେ ପକେଇକି ରଖିବେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କୌଣସି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପାଇବେନି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ରହିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ପଇସା ମିଳିଛି, ମଦ ପିଇଦେବି, ଏମିତି କରିବି ସେମିତି କରିବି, ପଇସା ଉଡ଼େଇ ଦେବି, ଫାଲତୁର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବି, ତାହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ହଇରାଣ ହେବେ। ତେଣୁ ଏମିତି କରିବେନି। ଆଉ ପଇସାର ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ପଇସାରୁ ପଇସା କମେଇ ପାରିବେ। ପଇସାକୁ ଲଗେଇକି ପଇସା ତା ଦେହରୁ ଯେମିତି କମେଇ ପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଯଦି ନ କମେଇ ପାରିବେ ଜୀବନ ସାରା ହଇରାଣ ହେବେ। ତ ଯାହାକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।